कल हमने सेल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जाना है कि सेल होता क्या है, सेल ऑर्गेन के बारे में जाना है, सेल के जो डिस्कवरी का हिस्ट्री है उसके बारे में जाना है। आज जानेंगे हम लोग सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी के बात की जाती है इसमें दो नाम प्रमुख है, एक है स्लीडेन और दूसरा है स्वान। स्लीडेन 1838 में इन्होंने बहुत सारे प्लांट को ऑब्जर्व किया, माइक्रोस्कोप से ही ऑब्जर्व किया, देखा कि सभी प्लांट टिश्यू के मिलकर, सभी प्लांट सेल के ग्रुप ऑफ सेल के मिलकर बने होते हैं, और उसे उन्होंने टिश्यू कहा। यानी टिश्यू, प्लांट टिश्यू की खोज की बात की जाए तो स्लीडेन ने की थी। और दूसरा नाम आता है स्वान के। स्वान ने 1839 में इन्होंने किया गया, स्लीडेन ने किया गया, बहुत सारे प्लांट को ऑब्जर्व किया और देखा कि प्लांट है ना बहुत सारे सेल के मिलकर, ग्रुप ऑफ सेल के मिलकर बने होती है, बहुत सारे सेल के मिलकर बनी होती है, सेल ग्रुप ऑफ सेल के मिलकर बनी होती है। स्वीडन ने 1838 में अब बहुत सारे प्लांट को ऑब्जर्व किया और देखा कि प्लांट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल के मिलकर बनी होती है, जो कि टिशू बनाती है। बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाती है, टिशू बनाती है। यानी स्लीडेन ने क्या किया, 1838 में बहुत सारे प्लांट को ऑब्जर्व किया और देखा कि प्लांट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल को मिलकर बनी होती है और सेल डिफरेंट काइंड ऑफ सेल मिलकर क्या बनाती है, टिशू बनाती है। दूसरा नाम आता है स्वान का। क्या चीज का नाम आता है, स्वान का। स्वान की बात की जाए तो 1839 में इन्होंने एनिमल सेल को देखा और देखा कि उसके बाहरी परत में कुछ लेयर है, बाहरी उनको जो बाहरी कवर है उसको देखा और उनका नाम दिया, क्या दिया, सेल मेम्ब्रेन। यानी स्वान ने सेल मेम्ब्रेन की खोज की और इन्होंने बहुत सारे प्लांट को भी ऑब्जर्व किया और देखा कि एक प्लांट की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो कि बहुत हार्ड होती है, उसका नाम क्या था, सेल वाल था। यानी स्लीडेन ने सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल को ऑब्जर्व किया और ये दोनों मिल के एक साथ कहा कि सेल है ना, जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे सेल के और प्रोडक्ट ऑफ सेल के मिलकर बनती है। क्या है ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनी होती है। क्या ये ऑर्गेनिज्म कैसे से बनी होती है, बहुत सारे सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सेल क्या मतलब, जो भी सेल जो भी पदार्थ सिक्रीट करता है और जो सेल है वो सारे से मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। लेकिन सेल थ्योरी भी पूरा नहीं हुई थी, बात आ रही थी कि सेल आखिर ऑर्गेनिज्म बनता है तो एक सेल से दूसरा सेल कैसे आता है और दूसरा से कैसे तीसरा आता है, मतलब एक सेल से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म का निर्माण कैसे होता है। तो ये सवाल बहुत ही गूंज रही थी कि आखिरकार सेल, एक सेल से इतनी सारे सेल का कैसे निर्माण होता है, सेल आता कहाँ से, कहाँ आकाश से टपकता है। तो इसी दौरान एक नाम आता है रोडोल्फ विर्जो का। रोडोल्फ विर्जो ने 1855 में जब साइंटिस्टों के मध्य में एक सवाल गूंज रही थी कि आखिरकार सेल आता कहाँ से है, ये एक सेल से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता कैसे है, तो रोडोल्फ विर्जो ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुली। मतलब कुछ है क्या, मंत्र उन्तर है क्या, दो सेल बना देता है वो, तो साइंटिस्ट ने अच्छा ये बात है। तो 1855 में रोडोल्फ विर्जो ने एक सेंटीमेंट दिया, क्या कहा, ओमनिस सेलुला ई सेलुली। ये दोनों के स्टेटमेंट, स्वान और ये रोडोल्फ विर्जो के स्टेटमेंट मिल गए, एक सेल थ्योरी का निर्माण हुआ। सेल थ्योरी की बात की जाए तो मॉडर्न सेल थ्योरी की बात की जाए तो पहला बात आता है कि ऑर्गेनिज मेड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट
और दूसरी बात आती है ओमनी सेलुला इशू, यानी कि जो भी सेल है नई न्यू सेल का निर्माण पहले से मौजूद सेल से होता है। न्यू सेल फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो भी नया चीज सेल है निर्माण होता है वो पहले से मौजूद सेल की मौजूदगी के कारण ही होता है। यानी पहले का सेल एक सेल है, वो बड़ा हुआ, उसमें डिवीजन हुआ, दो सेल बन गया, ऐसे नए सेल का निर्माण होता है। एक और नाम आता है, पढ़ेंगे उसको इवोल्यूशन में। सेल थ्योरी तो हम लोग पढ़ लिया, अब सेल के साइज के बारे में जानते हैं कि सेल की साइज आखिर कितना होता है, कितना छोटू होता है या कितना बड़ा होता है। सेल साइज की बात की जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, स्मॉलेस्ट सेल वो क्या होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। क्या होता है, माइकोप्लाज्मा होता है, वो 0.3 माइक्रोमीटर के होता है। कितना मीटर का होता है, 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। माइक्रोमीटर मतलब एक मीटर से भी 10,00,000 गुना छोटा, एक मीटर इतना होता है लगभग। और उससे 10,00,000 छोटा होता है ये माइक्रो प्लाज्मा। और 10,00,000 का हाँ उससे भी छोटा है, ये तो 30,00,000 के करीब छोटा है। सोचो इमेजिन करो कितना छोटा होता है। और बैक्टीरिया की बात की जाए, वही बैक्टीरिया जिससे हम लोग बीमार अधिकतर बार बीमार हो जाते हैं, बैक्टीरिया की बात की जाए तो कितना होता है, 2-3 माइक्रोमीटर का होता है। ये भी 10,00,000 छोटा, ये तो 1 करोड़ के आसपास छोटा हो गया, ये लगभग 10,00,000-20,00,000 के छोटा, बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि आँख से देख नहीं सकते। रेड ब्लड सेल की बात की जाए, हमारे जो खून होता है WBC, जिसके कारण हमारे खून का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन भी RBC के अंदर ही पाया जाता है, तो RBC के कारण हमारा ब्लड लाल दिखता है। तो RBC की साइज की बात की जाए, वो 7 माइक्रोमीटर होता है। समझ रहे हो ना कितना छोटा, इमेजिन करो कि आंख से देख नहीं सकते, जो माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। लेकिन सभी सेल इतना छोटा नहीं होता है, कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो इतना बड़ा होता है, उसको ऐसे उठाना पड़ता है हाथ में, ऐसे उठा के चलेंगे, 1.5 किलो वजन तक के भी सेल होता है। वो सेल की नाम है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग की अंडा, शुतुरमुर्ग के अंडा के वजन की बात की जाए तो लगभग 1.5 kg का होता है, वो भी एक सिंगल सेल ही होता है। यानी जो भी ये धरती पर जितने भी सेल एक पाए जाते हैं वो सिंगल सेल होता है। सेल एक ही है, जो सेल होने के बावजूद भी उसे हम आंखों से देख सकते हैं, यानी बिना माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। लेकिन बाकी सारा सेल इतना छोटा होता है उसे आंख से देख भी नहीं सकती है। ये ऑर्गेनिज के साइज पर डिपेंड नहीं करता, ऐसा नहीं है कि हाथी है बहुत बड़ा तो उसका सेल भी होगा बड़ा बड़ा वाला, और इंसान छोटा है या चूहा उसे भी छोटा है तो उसका सेल बहुत छोटा होगा, ऐसा नहीं होता है। ये इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, यानी ऑर्गेनिज्म के साइज के इरिस्पेक्टिव में उसका सेल होता है। यानी हाथी का सेल भी छोटा होगा और बकरी चूहा बिल्ली का सेल भी छोटा ही होगा, हाथी का सेल बड़ा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम लोग पहले क्या सेल के साइज के बारे में पढ़ लिए कि सेल की ऑस्ट्रिच का एक का सेल है, मुर्गी का अंडा, ये सब सिंगल सेल ही होता है और उसकी साइज इतना होती है कि उसे हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी सेल को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, बहुत सारे सेल जैसे हमारे नर्वस सिस्टम का सेल लगभग 90 सेंटीमीटर लंबा होती है। 90 सेंटीमीटर तक लंबा, लेकिन फिर भी उसे हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते क्योंकि बहुत पतला होता है, बहुत ही पतला, इतना पतला कि आँख से देख भी नहीं सकते हैं। कुछ सेल की साइज की बात की जाए तो अलग अलग होती है, एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट काइंड ऑफ सेल पाए जाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड में के सेल पाए जाते हैं। ऑर्गेनिज्म कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ
different shape of shape and size of cell, यानी एक जीव के अंदर अलग अलग प्रकार के साइज अलग अलग प्रकार के शेप की सेल पाए जाते हैं। तंत्रिका का तंत्र कोशिका की बात की जाए तो वो लंबा होता है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका की बात की जाए तो वो लंबा होता है। डब्ल्यू बास आरबीसी की बात की जाए तो बाई कनकेव होता है, मतलब कि ये चपटा है, इसे चपटा टाइप के। और भी कोशिका की बात की जाए, हमारे एक सेल की बात की जाए तो ये गोल होता है। स्पर्म की बात की जाए तो वो लंबा होता है, यानी हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले सभी सेल का शेप फंक्शन अलग अलग होता है, यानी एक जीव के अंदर पाए जाने वाले सभी सेल का शेप एंड फंक्शन अलग अलग होता है। अब हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के डिफरेंस के बारे में कि आखिरकार प्रोकैरियोटिक होता क्या है और यूकैरियोटिक होता क्या है। यहाँ दो नाम आता है, एक नाम आता है प्रोकैरियोटिक, क्या नाम आता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा नाम क्या आता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर बैक्टीरिया वगैरह आता है, कौन सा आता है बैक्टीरिया वगैरह से आता है। यूकैरियोटिक की बात की जाए तो यूकैरियोटिक के अंदर सिंपल ह्यूमन सेल एनिमल सेल आता है, कौन सा सेल आता है एनिमल सेल वगैरह यूकैरियोटिक के अंदर आता है। एनिमल सेल हो गया, प्रोटिस्टा का सेल हो गया, फंजाई का सेल हो गया, सारा प्लांट का सेल हो गया, सारा यूकैरियोटिक के अंदर आता है। आखिरकार यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस है क्या, डिफरेंस है सेल के सेल के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर में, सेल के कंपोजिशन में, जानते हैं क्या क्या डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया के सेल की बात की जाए तो इसका भी आउटर एक मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है। और यूकैरियोटिक और प्लांट की सेल की बात की जाए तो इसका भी आउटर मेम्ब्रेन होता है, इसकी बात की जाए तो इसे भी आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, इसका ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइको इसका आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है सेल वॉल होता है, पढ़े थे कल। ग्लाइकोकैलिक्स के जस्ट बगल में क्या होता है सेल वॉल होता है, मतलब चिपकसटाही होता 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 है। ये प्रोकैरियोटिक यानी मान लो हम बैक्टीरिया का टिपिकल स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि बैक्टीरिया का दिखता कैसा है, बैक्टीरिया का बैक्टीरिया को ऐसे दिखता है, माइक्रोस्कोप में रखते हैं तो उसको ऊपर देखे तो इसके ऊपर एक लेयर है, एकदम स्लाइम सा कैप्सूल सा लेयर है, टॉप सा लेयर है, उसे क्या कहा गया ग्लाइकोकैलिक्स कहा गया। ग्लाइकोकैलिक्स को हटा के जब देखे तो उसके अंदर सेल वॉल पाया गया, क्या चीज पाया गया सेल वॉल पाया गया। जब सेल वॉल को हटाए तो उसके अंदर क्या पाया गया सेल मेम्ब्रेन पाया गया, क्या पाया गया सेल मेम्ब्रेन पाया गया, जो बैक्टीरिया का आउटर कवरिंग है वो ग्लाइकोकैलिक्स है, सेल वॉल है, और क्या है सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन ये प्लांट सेल की बात की जाए इसका आउटर कवरिंग हम लोग कल देखी थे क्या टफ एक सेल वॉल है, उसको हटा के देखे तो इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाया गया, इसके अंदर भी क्या पाया गया सेल मेम्ब्रेन पाया गया, सेल मेम्ब्रेन। क्या इसका सेल वॉल इसका सेल वॉल सेम है, नहीं, इसका कंपोजिशन में अंतर होता है, इसे जो बनाने के लिए जो केमिकल यूज होता है उसमें डिफरेंस होता है, उसके बारे में जानेंगे। इसके सबसे बाहरी वाल सेल वाल है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, इसका सबसे बाहरी ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वाल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। इसमें बात की जाए तो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए होता है वो नेगेटिव होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। इसका प्रोकैरियोटिक का जो जेनेटिक्स मटेरियल होता है वो नेगेटिव होता है, वो डीएनए के अंदर नहीं होता है। सेल वाले इसके बारे में इसकी क्या जेनेटिक्स मटेरियल के बारे में बात किया, प्रोकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है नेगेटिव होता है, यानी इसके अंदर जो डीएनए जेनेटिक्स मटेरियल यानी डीएनए पाए जाते हैं वो नेगेटिव होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं होते। लेकिन यूकैरियोटिक की बात की जाए तो इसका डीएनए यानी जेनेटिक्स मटेरियल है
वो नेक्ड नहीं होते हैं, वो क्या चीज के अंदर होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर पैक होते हैं। न्यूक्लियस क्या है, एक पोरस स्ट्रक्चर है, एक गोल सी संरचना है, और उसके अंदर पाए जाते हैं जेनेटिक्स मटेरियल यानी डीएनए। लेकिन इसका डीएनए ऐसा ही साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। इसका डीएनए क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसको डीएनए को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है ना, प्रोकैरियोट्स का डीएनए होता है, वो जनरली सर्कुलर होता है, मतलब गोल राउंड सा होता है। लेकिन इसका डीएनए होता है लीनियर यानी लंबा सा, और इसका डीएनए कहता है गोल राउंड सा होता है। इसके अंदर कोई भी ऐसा ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है जिसके जो मेम्ब्रेन बाउंड हो, यानी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ हो। इसके अंदर वो सारे ऑर्गेन अपसेट होते हैं जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ। जैसे कि पहला ऑर्गेन क्या होता है, एक ऑर्गेन होता है, क्या होता है, लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, बैक्टीरिया के अंदर अपसेट है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसा मेम्ब्रेन पाया ही नहीं जाता, कोई भी ऐसा ऑर्गेन पाया ही नहीं जाता है जिसके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, यानी इसके जो मेम्ब्रेन बाउंड हो, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ हो। सारे ऑर्गेन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं पाए जाते हैं इसके अंदर। ये क्या हुआ, लाइसोसोम का जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड होता है जिसके अंदर नहीं पाया जाता है। और क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, ये लोग डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, यानी दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। लाइसोसोम का होता है सिंगल मेम्ब्रेन होता है, मतलब इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है एक ही मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन खोल अंदर जो इसका मटेरियल भरा हुआ दिख जाएगा, इसके अंदर नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसको मेम्ब्रेन फिर खोलेंगे तब जाके इसके अंदर भी दो होता है, फिर खोले, यानी दो मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। क्या चीज़ होता है, ये डबल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अधिकतर बार देखा गया है कि ये सिंगल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन का क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा पूछ लेगा कि यूकेरियोट के अंदर ऐसा कौन कौन ऑर्गन पाया जाता है जिसके जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जो दो मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। तो पहला एक क्या है, न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। फिर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। और क्या है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, लेकिन बाकी सब क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। और एक स्ट्रक्चर है, क्या है, राइबोसोम की बात की जाए तो उसके अंदर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। बाउंड स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये लोग ये सब डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। लाइसोसोम की बात की जाए तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। सिंगल मेम्ब्रेन मतलब एक झिल्ली से घिरे हुए स्ट्रक्चर संरचना, बाउंड मतलब घिरा हुआ, सिंगल मेम्ब्रेन मतलब एक मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन मतलब दो मेम्ब्रेन, मतलब कि दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। और कौन सा यूकेरियोटिक में स्ट्रक्चर पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी एक मेम्ब्रेन से ही घिरा हुआ होता है, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ही होता है। बस तीन ही ऐसा स्ट्रक्चर है यूकेरियोट के अंदर जिसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होता है। वही प्लांट की बात की जाए तो तीन स्ट्रक्चर है, और एनिमल की बात की जाए तो क्लोरोप्लास्ट होगा ही नहीं, एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एनिमल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट क्यों पाया, कहाँ पाया जाता है, प्लांट के अंदर पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सूर्य के प्रकाश से रोशनी लेकर खाना आते भोजन बनाना, प्लांट के भोजन बनाने का काम करता है। तो ये एनिमल में अब्सेंट होता है, एनिमल में अब्सेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट एनिमल में नहीं पाया जाता। देखो कोई एनिमल को जो फोटोसिंथेसिस करता हो, नहीं ना, देखो फोटोसिंथेसिस में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, फोटोसिंथेसिस इसके ही अंदर होता है। और ये ईआर की बात की जाए तो दो होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जो भी ऑर्गेनेल है जो मेम्ब्रेन बाउंड है इसके अंदर अब्सेंट होगा। कौन, ईआर मेम्ब्रेन बाउंड है इसके अंदर अब्सेंट होगा। और क्या, लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड है इसके अंदर अब्सेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन बाउंड है इसके अंदर होगा ही नहीं।
ये क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर, राइबोसोम के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कोई भी, इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन होता ही नहीं, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है तो इसके अंदर पाया जाएगा, यानी राइबोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। राइबोसोम यूकेरियोटिक अंदर भी होता है, प्रोकेरियोटिक में होता है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर यूकेरियोटिक प्रोकेरियोटिक अंदर पाया ही नहीं जाता, एक भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रोकेरियोटिक अंदर पाया ही नहीं जाता। मेम्ब्रेन बाउंड वो जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, झिल्ली से घिरा हुआ हो, आउटर सस्पेंशन अंदर चाहे उसके कोई झिल्ली से घिरा हुआ हो, ऐसा स्ट्रक्चर इसके अंदर पाया ही नहीं जाता है। इसके अंदर ये इसका जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, एक इसका यूनिक कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, मतलब इसको पहचान के कारण तरीका है। इसका जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इन फोल्डिंग हो जाता है, ये सेल मेम्ब्रेन है, बीच में से धंस जाएगा इसे, और इसे धंस कैसे बना लेगा, ट्यूब जैसा ही नहीं बनाता, लेमिनर बना भी बना लेता है, और इसे धंस कैसे हो, कैसे बना लेता है, ये ऐसे करेगा, आइए अपना मेम्ब्रेन कैसे धंसा है, कैसे बना लेगा, ये स्ट्रक्चर को जो मेम्ब्रेन कैसे बीच में अपना धंसा के बनाता है, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, इसका सरफेस बहुत सके, एरिया बहुत सके, जो ये भी एरिया, इतना एरिया बढ़ गया ना, एरिया बढ़ाने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको क्या कहते हैं, मीजोजोन कहते हैं, मीजोजोन। अब मालूम है ये मीजोजोन प्रोकैरियोटिक के अंदर भी देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक अंदर ये पाया ही नहीं जाता, ये मीजोजोन यूकैरियोटिक अंदर नहीं होता, प्रोकैरियोटिक होता है। बनता कैसे है, ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन झिल्ली है, झिल्ली बीच में से धंस गया, धंस के बाहर निकल गया, समझ मतलब क्वेश्चन इतना हुआ कि इतना इतनी इतनी झिल्ली है, ये झिल्ली धंसेगा तो फिर ये पूरा ऐसे ना धंसना चाहिए, मतलब कि ये एक्स्ट्रा पार्ट कहाँ से आता है, तो एक्स्ट्रा पार्ट बनाने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है सेल के अंदर से इसको भेज दिया जाता है, जो भी मटेरियल है जो झिल्ली बनाने के लिए लगता है वो सेल इसको भेजता है, आइए बना गया, धंसा लेता है, मतलब इसका जो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, इसको क्या कहते हैं, मीजोजोम कहते हैं। मीजोजोम इसके अंदर नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीजोजोम प्रोकैरियोटिक के अंदर पाया जाता है, यूकैरियोटिक के अंदर नहीं पाया जाता है। और भी कुछ इसके अंदर पाया जाता है, ग्रैन्यूल पाए जाते हैं, इंक्लूजन बॉडी पाए जाते हैं। इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी, ये इंक्लूजन बॉडी बनता है कैसे, बहुत सारे न्यूट्रिएंट है जैसे फॉस्फेट हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये इकट्ठा हो गए, ये जो इकट्ठा हो गए इधर उधर घूमते रहता है, मतलब कि मान लो कि ये फॉस्फेट है, फॉस्फेट क्या है, सेल के अंदर पाए जाते केमिकल है, वो एक जगह इकट्ठा हो गया, वो दूसरा संरचना बना लेगा और इधर उधर सेल के अंदर घूमते रहेगा, उसको क्या कहते हैं, इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। इंक्लूजन बॉडी इसके अंदर पाया ही नहीं जाता, इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोटिक के अंदर ही पाया जाता है, यूकैरियोटिक के अंदर पाया ही नहीं जाता। और ये सेल मेम्ब्रेन की बात, ये जो मेन जीनोम है, जो बैक्टीरिया के अंदर जो मेन डीएनए है, जो सारा चीज़ को कंट्रोल करता है, जो क्या होगा क्या ना होगा, किसको इन्फेक्ट करना है, कैसे करना है, कहाँ ना करना है, सारा फंक्शन को कंट्रोल करने वाला जो इसका ब्रेन है, जो इसका जीनोम है, वो नेक्ड होता है, मतलब इसके आउटर लेयर कुछ नहीं पाया जाता। इसके अंदर एक और डीएनए पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, प्लाज्मिड एक बेसिकली सर्कुलर डीएनए है, हाँ डीएनए का संरचना होता है सीलिंग नुमा होता है, सीलिंग के तरह होता है, इसलिए इसको बना दिया। ये एक मेन जीनोम है, ये भी सर्कुलर होता है, इसका प्लाज्मिड भी सर्कुलर होता है, मान लो प्लाज्मिड प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, आप क्लोरोप्लास्ट के अंदर। प्लाज्मिड यूकैरियोटिक के अंदर कहाँ पाया जाता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। यहाँ गौर से ध्यान से देखोगे तो जो जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है ना, जिसको डबल सिक्रेटरी मिली हुई है, जिसका सुरक्षा ज्यादा है, उसके अंदर पाया जा रहा है डीएनए, जैसे कि ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है जिसके अंदर पाया जा रहा है डीएनए। ये देखो माइक्रोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है जिसके अंदर पाया जा रहा है डीएनए। प्लाज्मिड बेसिकली डीएनए ही होता है, सर्कुलर डीएनए, गोल सा गोलू सा डीएनए, उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। देखो ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, डबल मेम्ब्रेन जैसे ही बाउंड है उसके अंदर पाया जा रहा है डीएनए। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से सेल ऑर्गेन ऑर्गेनेल के अंदर डीएनए पाया जाता है, प्लाज्मिड पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पाया जा रहा है, प्लाज्मिड पाया जा रहा है।
अब बाकी सॉरगेन डोमिनेंट बाउंड है ही नहीं, तो इसके अंदर क्लाइमेट ऑब्सेंट है। इसके अंदर प्लाजमिड कैसे पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर बिठा हुआ। हाँ, एक तो बेसिक स्टडी में बताना भूल ही गए कि जो ये सारा ऑर्गेनल है ना, वो एक फ्लूइड के अंदर तैरते, फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है। जो फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है, फ्लूइड को क्या कहते हैं, फ्लूइड यानी तरल पदार्थ, उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म नाम है इसका, साइटोप्लाज्म। जैसे इसका लाइसोसोम है, कल पढ़े थे इसके बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में। ये सारा ऑर्गेनेल एक फ्लूइड के अंदर, एक तरल पदार्थ के अंदर, पानी जैसा पदार्थ के अंदर मौजूद रहता है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारा चीज पाया जाता है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर भी पाया जाता है, यानी प्रोकैरियोट्स के अंदर भी साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। यानी इसका ऑर्गेनेल है ना, वो भी फ्लूइड जैसे संरचना में तैरते रहते हैं, साइटोप्लाज्म। अब तुम बता रहे थे कि ये न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड जैसे संरचना का तरल पदार्थ पाया जाता है, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियो न्यूज सी एल यू न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर तो न्यूक्लियस है ही नहीं, तो न्यूक्लियस पर नहीं, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म ही नहीं पाया जाएगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियस है ही नहीं। जिसके अंदर न्यूक्लियस प्लान नहीं पाया जाएगा, लेकिन साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, जिसके अंदर ये सारा चीज मौजूद रहेगा। इसका मालूम है, इसका प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड का काम क्या होता है, इसका प्लाज्मिड का क्या काम होता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इसको बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम इसको प्लाज्मिड करता है। मान लो कि हम कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, और एंटीबायोटिक खाए और एक आध दिन खाए, उसके बाद ठीक हो, मतलब ठीक होने लगा, हम छोड़ दिए, तो जो भी एक आध बैक्टीरिया मौजूद रहेगा, वो प्लाज्मिड के मदद से जान जाएगा कि वो ये एंटीबायोटिक है, ये इसी से हमको मारा, हमको दोस्त से मारा है, इसको बचने का वो यही उपाय है, और उसको बचने का उपाय तैयार कर लेगा, और उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाएगा। यानी एक बार कोई चीज़ का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, एंटीबायोटिक बीच में छोड़ दिए, हमको लगने लगा ठीक है, लेकिन ठीक नहीं हुए पूरी तरह, मतलब बैक्टीरिया मौजूद ही रहे, आप दो बैक्टीरिया मौजूद ही रहा, तो फिर क्या हुआ, वो उससे रेजिस्टेंस हो जाएगा, फिर अगला बार और वो उसी बैक्टीरिया से अगर बीमार पड़े तो वो एंटीबायोटिक काम ही नहीं करेगा, फिर उसके लिए हाई डोज की एंटीबायोटिक चाहिए। ऐसा बार बार करते रहें तो जो खाने वाले एंटीबायोटिक होते हैं, टैबलेट आते हैं, वो भी काम नहीं करेगा, इसके लिए हाई डोज की इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि एंटीबायोटिक का डोज हमेशा पूरा करा क्या करो, क्योंकि जैसे ही एंटीबायोटिक अभी इसमें छोड़े, एक आध को बैक्टीरिया बच गया, तो प्लाज्मा डीएनए की मदद से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगा, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके देखेगा कि वो ये हथियार से वार हुआ है, इसके खिलाफ तुरंत रेजिस्टेंस प्रोवाइड, रेजिस्टेंस कवच बना लेगा और उसे बच जाएगा। तो प्लाज्मिड इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया के जीने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारा बैक्टीरिया बुरा नहीं होता, कुछ बैक्टीरिया बहुत काम के लिए होते हैं, पढ़ेंगे उस बारे में। तो प्रोकैरियोट में डिफरेंस समझ गए कि प्रोकैरियोट के अंदर पाया जाता है मेन मेन स्ट्रक्चर, जो यूकैरियोट के अंदर नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोट के अंदर पाया जाता है, क्या है, वो एक है मीजोजोम। क्या है मीजोजोम, है क्या है मीजोजोम, इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मीजोजोम। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, सेल झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, उसको जो इनफोल्डिंग होकर अंदर में फोल्ड होकर अंदर में मुड़ के जो बनता है स्ट्रक्चर, उसको क्या कहते हैं, मीजोजोम कहते हैं। इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है, क्या चीज से बनता है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम लिख देते हैं, पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आइए सेल के अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर, यूकैरियोट के अंदर नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोट के अंदर पाया जाता है जो जो ऑर्गन पाया जाता है, वो यूकैरियोट के अंदर नहीं पाया जाता, वो क्या है, मीजोजोम न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड के अंदर नहीं पाया जाता है। इसके अंदर जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन पाया जाता है, वो इसके अंदर नहीं पाया जाता है। तो देख सकते हो इसका इंक्लूजन बॉडी ओनली 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 प्रोकैरियोट के अंदर होता है, मीजोजोम ओनली 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 प्रोकैरियोट होता है, न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोट के अंदर पाया जाता है। यूकैरियोटिक ऑर्गन की बात की जाए, सारा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन है जो यूकैरियोटिक के अंदर पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक के अंदर पाया ही नहीं जाता, और एक आध वालों मेम्ब्रेन, बहुत सारा और मेम्ब्रेन वाला ऑर्गन है, और क्या वैक्यूल है, वैक्यूल मतलब कि एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ पाया जाता है, वैक्यूल के अंदर बहुत सारी चीज़ पाए जाते हैं। और क्या है, ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है,
गॉल्गी कॉम्प्लेक्स या गॉल्गी बॉडी पढ़ा था ना, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स या गॉल्गी बॉडी पढ़ा, वो भी इसके अंदर यूकेरियोट के अंदर पाया जाता है, प्रोकैरियोट के अंदर नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता है कि वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जो जो स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बाउंड है वो प्रोकैरियोट के अंदर पाया ही नहीं जाएगा, यूकेरियोट के अंदर सिर्फ पाया जाएगा। ये एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक डिफरेंस के बारे में समझ गए हैं क्या तुम्हें? प्रोकैरियोटिक के अंदर कुछ ऑर्गन पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन नहीं पाया जाता है, यूकेरियोटिक के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक क्या कहा, इसके मेम्ब्रेन ऑर्गन जो इसके अंदर पाया जाता है और यूकेरियोटिक अंदर नहीं पाया जाता क्या है? मेजोजोम। क्या है? मेजोजोम है, मेजोजोम है। प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक के बारे में डिफरेंस के बारे में देखते हैं। प्रोकैरियोटिक मेजोजोम प्रेजेंट, इसमें क्या होता है पहला नंबर की बात की जाए, मेजोजोम प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट के प्लस करके एंटी लिख देते हैं, प्रेजेंट यानी उपस्थित। इसके अंदर मेजोजोम उपस्थित है, मेजोजोम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनफोल्डिंग से बनता है। इसके अंदर मेजोजोम क्या होता है? अब्सेंट होता है। अब्सेंट मतलब इसके अंदर मेजोजोम पाया नहीं जाता है, अनुपस्थित होता है। मेजोजोम प्रेजेंट होता है, इसके अंदर क्या होता है? यूकेरियोटिक अंदर क्या होता है? मेजोजोम अब्सेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल नेप्ड होता है, इसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेप्ड होता है। जेनेटिक्स मटेरियल क्या होता है? नेकेड होता है, यानी किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर जेनेटिक्स मटेरियल फाउंड नहीं होता है, ये खुला हुआ एकदम ऐसा ही घूमते रहता है हीरो बन के। इसका जेनेटिक्स मटेरियल की बात की जाए तो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसे सुरक्षा करता जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड होता है, क्या होता है? कभी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? नेट होता है, मतलब किसी भी झिल्ली के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, ऐसा ही साइटोप्लाज्म में तैरते रहता है। इसका जेनेटिक मटेरियल झिल्ली के अंदर प्रेजेंट होता है, दो डबल मेम्ब्रेन बाउंड झिल्ली के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, यानी इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। इसमें इंक्लूजन बाउंड भी पाए जाते हैं, क्या भी पाए जाते हैं? इंक्लूजन INCAU, इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट होते हैं। इसका जो इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके अंदर इंक्लूजन बॉडी होता ही नहीं। इंक्लूजन बॉडी अब्सेंट। चौथी डिफरेंस की बात की जाए, चौथी डिफरेंस की बात की जाए तो इसका प्लाज्मिड है ना, इसका जो प्लाज्मिड है जिसकी वजह से इन जो ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर तैरते हुए रहता है। प्लाज्मिड प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, प्लाज्मिड कहाँ से प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म से प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म। इसका प्लाज्मिड है ना, इसका प्लाज्मिड प्लाज्मिड प्रेजेंट इन प्रेजेंट प्लस एंटी प्रेजेंट का सिंबल जनरली बायोलॉजी में यूज करते हैं। प्रेजेंट इन कहाँ प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन इसके प्लाज्मिड क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। इसमें राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मतलब मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं रहता है, तो इसके अंदर पाया जाएगा राइबोसोम। इसके अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है। ये थोड़ा हाई बोलता है, इवोल्यूशन के दौरान है ना, ये पहले बना ये बाद बना, ये थोड़ा एडवांस है, एडवांस इसीलिए इतना सुरक्षा के साथ रहता है बेचारा, तना अकेला घूमते रहता है। राइबोसोम इसका ना प्रेजेंट होगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल अब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल अब्सेंट होता है। छठा डिफरेंस की बात की जाए तो मेम्ब्रेन
बाउंड बी आर ओ यू एन बाउंड स्ट्रक्चर एस टी आर यू सी टी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है स्ट्रक्चर है सिर्फ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेल लिख दो सिंपल ऑर्गेनेल एब्सेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन ऑर्गेनेल अंग ऑर्गेनेल हिंदी होता है अंग होता है इस तरह अंग ऑर्गेन होता है बहुत छोटे छोटे छाप है जिसमें ऑर्गेनेल इसको कह दिया ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है कौन कौन से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट लाइसोसोम गैस वैक्यूल ये सब ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉल्जी कॉम्प्लेक्स ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो कि सिर्फ यूकैरियोटिक के अंदर ही पाया जाता है प्रोकैरियोटिक के अंदर पाया ही नहीं जाता मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट इसका एग्जांपल की बात की जाए और इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो इसकी एग्जांपल में पहला नाम आता है डॉन का बैक्टीरिया का पहला कोई एग्जांपल की बात की जाए तो उन्हें बैक्टीरिया है और क्या है साइनोबैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया इसे ब्लू ग्रीन एलगी भी कहते हैं क्या कहते हैं बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एलगी भी कहते हैं ब्लू बी एल यू ब्लू जी आर एल ई ग्रीन ए एल जी एलगी ब्लू ग्रीन एलगी को शॉर्ट फॉर्म में बी जी ए कहते हैं और टी पी एल ओ टी पी एल ओ ये कोई मंदर उंदर ना है ये बैक्टीरिया ये नाम है जीव का नाम है बैक्टीरिया हो गया साइनो बैक्टीरिया ये छोटा सा सिंगल सेल ऑर्गेनेल होता है जिसको नंबर से देखना मुश्किल होता है एक को देखना मुश्किल होता है ग्रुप में रहेगा तो देख सकते हैं ये पी पी एल ओ भी एक प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ये भी एक ऑर्गेनिज्म है सिंगल सेल होता है ये क्या है प्रोकैरियोटिक अंदर आता है इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो एनिमल एनिमल सेल प्लांट सेल पौधे की कोशिका और भी बात की जाए तो क्या आता है फंगी के फंजाई के कोशिका फंगी सेल फंजाई कौन होता है मशरूम जिसे खाते हैं ना मशरूम वो भी फंजाई के अंदर आता है फंगी के अंदर आता है जो बरसात के दिन है ना मशरूम उग जाता है बहुत सारे फंजाई ये फंजाई के अंदर आता है ये फंजाई की कोशिका एनिमल प्लांट से ये सारा जो कोशिका होता है ना यूकैरियोटिक होता है यानी उसके अंदर सारा ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा और जो बैक्टीरिया होता है साइनोबैक्टीरिया होता है टीपीएलओ होता है माइकोप्लाज्मा ये लिखा है 0.3 माइक्रोमीटर का होता है बहुत छोटू सा होता है सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है वो भी प्रोकैरियोटिक के अंदर ही आता है यूकैरियोटिक के अंदर आता ही नहीं प्रोकैरियोटिक का यूकैरियोटिक डिफरेंस देख लीजिए